गांव के बगल में सर एक छोटी सी नहर है, जो नहर चलती हुई बिल्कुल झाल झंखाल और जो है वो बता रहे सब बड़ी कामयाबी मिली है। दो बड़ी लूट घटनाओं खुलासा, क्या था पूरा मामला? दिनांक 29 अक्टूबर को पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ और दिनांक 1 नवंबर को एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो आउटलेट होता है उसके कर्मी के साथ दो लूट की घटनाएं हुई थी और उसमें थाना अध्यक्ष गौरीगंज और पूरी एसओजी टीम को लगाया गया था। उनके द्वारा 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो इन दोनों लूट की घटनाओं में शामिल थे। ये टोटल 6 लोगों का गैंग था जिसमें से 4 अभियुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त इनमें से इनामिया हैं जिनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था, अभिषेक उर्फ बब्बा और विकास गिरी उर्फ बाबा। इस गैंग का जो सरगना है सोनू सिंह नाम का व्यक्ति है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इसके विरुद्ध दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। गैंग का संचालन सोनू द्वारा किया जाता था। जो पेट्रोल पंप वाली घटना है उसमें निशांत सरोज करके एक लड़का है जो वहीं का लोकल रहने वाला है, बाकी 5 लड़के प्रतापगढ़ के थे। निशांत के द्वारा ये मुखबिरी दी गई कि क्योंकि वो अक्सर ट्रक पे क्लीनर का काम करता है और इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता था, उसको जानकारी थी कि कैशियर कितने बजे पैसा लेके पेट्रोल पंप से जमा कराने के लिए निकलता है। सूचना उसके द्वारा दी गई और सोनू, अभिषेक बबुआ और विकास बाबा इन 3 के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस पूरे अनावरण के दौरान जो एसओजी टीम के द्वारा मैनुअल इनपुट डेवलप किया गया, उसके बाद सर्वलांस के थ्रू से उसको वेरीफाई किया गया और इसके साथ साथ स्केच जो हमारे द्वारा बनवाया गया था उस स्केच के आधार पर एक अभियुक्त को जो आज गिरफ्तार किया गया सोनू वैश्य को, वो लगभग 100% उससे मैच खाता है। इसके साथ साथ त्रिनेत्र ऐप जो यूपी पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है इससे भी हम लोगों को बहुत सफलता मिली। सारे अपराधियों के डोजियर्स उस त्रिनेत्र ऐप पर उपलब्ध थे और एक एक करके जब जिनके साथ दोनों लोगों के साथ घटना हुई है जब जो संभावित अपराधी थे वो त्रिनेत्र के माध्यम से उनको फोटो दिखाए गए तो उनके द्वारा भी तस्दीक किया गया कि यही लड़के थे जिनके द्वारा घटना की गई है। इस टोटल खुलासे में 2 25,000 के इनामिया गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 3 अवैध असला, 1 पिस्टल और 2 तमंचे, 7 राउंड लाइव कारतूस और लगभग 1.5 लाख रुपया जो लूटा हुआ था वो बरामद किया गया है। टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो 2 बाइकें जिनसे घटना कारित की गई थी वो भी बरामद की गई है, प्लस बैंक जो बैग था जिसमें आधार कार्ड और बैंक से संबंधित दूसरे कागजात थे उसको भी बरामद किया गया है। इनके द्वारा घटना के बाद एक बाइक को वहीं पास के एक नाले में फेंक दिया गया था। इनको ये आभास था कि क्योंकि बॉर्डर का एरिया है तो तीनों तरफ से पुलिस की घेराबंदी होगी, तो इन्होंने बाइक को नाले में फेंके और उसके बाद ये पैदल रास्ते से प्रतापगढ़ की तरफ निकल गए थे। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त सोनू सिंह और बलिकरण उर्फ बाली, ये 2 लोग अभी फरार हैं। सोनू सिंह के ऊपर 25,000 का इनाम किया गया है और इसको उच्च अधिकारियों से बात करके इनाम बढ़वाया भी जाएगा, बहुत जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी टीम को घटना का खुलासा करने के लिए 10,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत भी किया गया। सर, जिस तरीके से मुख्य आरोपी इसमें फरार है उसके लिए गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? उसके जब से घटना में उसकी संलिप्तता पाई गई है हमारी टीम उसमें लगी हुई है, लेकिन क्योंकि शातिर अपराधी है और उसके ऊपर दर्जन भर मुकदमे हैं तो स्पेशल टीम उसी के लिए लगाई गई है उसकी गिरफ्तारी के लिए। इनाम भी इसके ऊपर बढ़वाया जाएगा और बहुत जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।